हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सन विद दिस और मैं हूं निशु। सो गाइस, आई नो मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद आई हूँ वीडियो शेयर करने, और आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग्स जो भी हो मैं शेयर करते रहूँ, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। तो माफ़ करना मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, और मेरे वीडियोज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करते रहना। गाइस, कल मेरे को जाना है माता रानी वैष्णो देवी के दरबार, और आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँ, क्योंकि पैकिंग और ट्रेन में ले जाने के लिए सामान वगैरह सारा कुछ बनाना था और पैकिंग वैकिंग करना था, तो उतना टाइम नहीं था कि मैं पार्लर जाऊँ। और कल मैं जाना है, मतलब कल एकदम माइंड से निकल गया है कि मैं पार्लर जाऊँ। तो फेस का तो चलो कोई नहीं, मैं मेकअप से काम चला लूँगी, बट इन हेयर्स का क्या करूँ। जो मैंने कुछ दिन पहले एक ऐड देखा था एस्टिमियो नेचुरल वैक्स का, यह पाउडर है एक्चुअली ना, एंड एस्टिमियो का ना ब्रांड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो और मैंने इसका ऐड भी देखा था या फिर यूट्यूब पे कहीं मैंने देखा था, तो मैंने इसको मंगाया, रिसेंटली ही मैंने मंगाया है। इसका सारे इन्ग्रीडियंट्स एकदम नेचुरल है, अल्कोहल फ्री है, MRP भी इसका एकदम मस्त है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे यह एस्टिमियो का नेचुरल वैक्स। मुझे ना एस्टिमियो ब्रांड बहुत पसंद है, मैंने इसका बहुत मतलब शैम्पू वगैरह भी मैं इसका यूज करती हूँ, तो काफ़ी बेनिफिशियल लगा मुझे, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये वैक्स पाउडर भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर ऑल स्किन टाइप, एल्कोहल फ्री है एकदम, मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना तो आप एकदम दीवाने ही हो जाओगे, सारे ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। तो आप यहाँ पे देखो है सबसे पहला जो मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज पील पाउडर, फेनल सीड पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, एलोवेरा पाउडर, बेस पाउडर, मतलब यहाँ पे देखो सारे कॉफ़ी पाउडर, राइस फ्लावर, कोकोनट मिल्क, मतलब सारे के सारे अच्छे अच्छे चीज़ें ये इसमें। आपको एकदम एल्कोहल फ्री नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, और सबसे बढ़िया बात इसके किया जो है पेनलेस हेयर रिमूव करता है और जल्दी हेयर को आने भी नहीं देता है। मैंने इसका रिव्यू वगैरह अच्छे से देखा तभी मैंने सोचा कि इसको बाय करते हैं, और आप लोगों के साथ भी इसका वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि अब तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना ही है। सो गाइस, इसका MRP बहुत कम है, मतलब MRP तो है 497, बट मैंने इसको ना फ्लिपकार्ट से बाय किया है तो मुझे मिला 377 पे मिला। मैं ना डिस्क्रिप्शन में सारे बाय लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज करना है, इसका अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को कर लिया है ओपन, आप देख सकते हो एकदम ऐसा लग रहा है ना जैसे मुल्तानी मिट्टी है। तो मैं एक बोल में बस 2 स्पून निकाल ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं बस हैंड्स का ही वैक्स करूँगी इसलिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ रोज़ वाटर, आप चाहे तो वाटर भी डाल सकते हो, बट मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ, इससे ना स्किन थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे मिक्स, एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, एकदम पतला नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे हेयर्स को अच्छे से यह रिमूव नहीं करेगा, हल्का हल्का मोटा ही रखेंगे। उसके बाद अपने हैंड्स को कर लेंगे क्लीन, मैंने मतलब क्लीन कर लिया पानी से, और देख सकते हो मेरे हेयर ग्रोथ कैसे हो चुके हैं, हेयर्स आ चुके हैं। इसके बाद मैं इसको मोटा मोटा अप्लाई कर लूँगी, आप इससे भी थोड़ा मोटा रखना, मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, आप इससे भी मोटा रखोगे तो यह जल्दी ड्राई होगा और एकदम अच्छे से आपके हाथों को मतलब हाथों का एक टैन भी क्लीन करेगा और हेयर तो हटाएगा ही। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी, आप मतलब ऐसे पार्लर में जाते होंगे तो आपको दोनों हाथ का बस चार्ज करता है वैक्सीन का 300 to 400 तो एकदम चार्ज करता ही है, बट मैंने इसको 377 में मंगाया है और मुझे लगता है ये 5 to 6 times ईजिली हो जाएगा 5 to 6 times। तो मैं यहाँ पे हाफ हैंड्स पे ही वो अप्लाई किया है, और अभी भी मेरा थोड़ा सा वो बैटर बच ही गया है, तो मैं थोड़ा सा लेग में भी अप्लाई कर लूँगी और 10 मिनट इसको सूखने दूँगी। तो देखिए 10 मिनट सो गया है और कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसका मतलब फ्रेग्रेंस मैं आपको बता दूँ तो जैसा हेयर रिमूवर क्रीम का होता है ना, हल्का हल्का वैसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बट हल्का हल्का वैसा ही इसका वो है। उसके बाद मैं इसको एक गीले तौलिए से जो कॉटन की है उसको ना हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रब करूँगी, हल्का हल्का उसको ऐसे पोंछ लूँगी जिससे हमारे सारे हेयर्स है वो निकल जाएंगे, साथ ही साथ जो भी हमारे हाथों में परा टैन है वो भी निकल जाएगा। तो देखो मैं इसको तौलिए से हल्के हाथों से एकदम कर रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से नहीं घिसना है आपको, बस अपोजिट डायरेक्शन में इसको समझो तो इसको बस पोंछना है, और कॉटन का ही कपड़ा लेना है, सिंथेटिक वगैरह का कपड़ा नहीं लेना है। तो मैं पहले दोनों हाथों को इस तौलिए से पोंछ लूँगी ताकि मेरे हेयर सारे निकल जाए, उसके बाद मैं पानी से जाके धो लूँगी, फिर आती हूँ आप लोगों के पास।
तो मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया और आप देख सकते हो एक भी हेयर का टुकड़ा नहीं है गाइज मेरे हाथ पे। सच में बोल रही हूँ काफ़ी अच्छा यह प्रोडक्ट है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद ना मेरे हैंड्स थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है, ड्राई ड्राई मतलब मुझे फील हो रहा है। तो मैं ना यहाँ पे जा रही थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद सच बोल रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे मैंने पार्लर में जाकर वैक्सिंग कराया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा था मुझे। तो चलो बातों बातों में मुझे मिल गए क्लीन एंड क्लियर स्किन, आप देख सकते हो वो भी एकदम 10 मिनट्स में, ना ही मुझे पार्लर जाना पड़ा ना ही मुझे कोई पेन सहना पड़ा, बस 10 मिनट्स में हो गए मेरे हैंड्स एकदम क्लीन। तो गाइज वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना,